दोस्तों मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे केक खाने का मन है। प्लीज मेरे लिए बनाओ। बेशक केनी। ऐसा लगता है कि मुझे बुनाई रोकनी पड़ेगी। मुझे चुनौती में तुरंत भाग लेने की जरूरत है। सबसे पहले केक की परतों को क्रीम से भिगोना अच्छा होगा ताकि केक नरम हो जाए और बेबी खुश हो जाए। अब इसे एक स्पैचुला के साथ किनारों पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ओह, यह कितना सुंदर बन गया है। यह गुलाबी क्रीम और भी अच्छा है। केवल सजावट की कमी है। दादी मार्शमेलो के साथ एक लाइफ हैक जानती है। हम मार्शमेलो को काट सकते हैं और उन्हें पिक्टल में बांध सकते हैं और हमारे कैंडी को सुंदर ढंग से सजा सकते हैं, जैसे कि मेरा केक धागे से बुना हुआ हो और यहाँ बीच में एक बॉल यहाँ। वाह, शेफ फिर से कुछ लेकर आ रहा है। दादी इस अद्भुत रेनबो डिजर्ट के साथ मुझे परेशान मत करो। लगता है कि सभी परतें तैयार हैं। इसे मनचाहा आकार देने का समय है और अच्छे से इसे काट लेते हैं। सारे एक्स्ट्रास को हटा देंगे और फिर क्रीम चीज अच्छे से लगाएंगे। अच्छे से सब और मिक्स कर देंगे और फिर चमकदार ग्लेज डालने का समय आ गया है। वाओ, कितना सुंदर। अलग अलग रंगों का ग्लेज बहुत अच्छा दिख रहा है। वाओ, अब स्प्रिंकल्स वाला मीठा केक तैयार है। बोन एपिटीट। वाह, अद्भुत शेफ, तुम महान हो। रॉक्सी, तुमने किस तरह का केक बनाया? रॉक्सी, क्या आप सबने अपना काम कर भी लिया? और मैंने अभी तक खाना बनाना भी शुरू नहीं किया है। मुझे तुरंत केक के लिए कुछ सोचना होगा। चलो देखें कि मेरे बैकपैक में क्या है। मुझे केक को चॉकलेट से सजाने की जरूरत है। जितना ज्यादा होगा यह उतना ही स्वादिष्ट होगा। बहुत सारे चॉकलेट को हर जगह लगा देती हूँ। हाँ, अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी कुछ चॉकलेट सिरप बचा हुआ है। ओह, अफसोस की बात है कि बहुत कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई को यह पसंद आएगा। हाँ, चलो यह तैयार है। वाह वाह, शाबाश शाबाश केनी, हम तुम्हें मीठा डिजर्ट खिलाने के लिए तैयार हैं। हाँ, क्या शानदार गेम है। मैंने सारे डोनट्स इकट्ठा किए और जीत गया। वाओ, गूगल और एप्पल स्टोर में गेम मल्टी डू सॉर्ट डाउनलोड करें और साथ में खेलें। वाओ, आप सबने कमाल कर दिया। मैं हर केक को ट्राई करना चाहता हूँ। तय करूंगा कि कौन जीतेगा। बहन का केक बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने इसे कई बार खाया है इसलिए कुछ खास नहीं है। वाओ, लग रहा है कि शेफ ने यह रेनबो केक बनाया है। उसने इतनी खूबसूरत डिजर्ट कैसे बनाई? बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपका केक बहुत पसंद आया। दादी ने कितना मजेदार केक बनाया है। यह हमेशा की तरह उनके अपने स्टाइल में है और इसका स्वाद वाकई बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, और दादी जीत गई। क्या सच में? तुमने सुना, दादी जीत गई। तो क्या आप सब तैयार हैं? इस बार मुझे एक कॉकटेल चाहिए। ठीक है केनी, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी और चुनौती जीतने के लिए तुरंत काम की तैयारी शुरू कर दूंगी। सबसे पहले दूध डालें और फिर कोको डालेंगे। ओह, ध्यान रखना है कि कहीं मेरे नाक में न चला जाए। चलो। पता नहीं कोको का स्वाद कैसा होगा। नहीं, मैं इस तरह से पक्का नहीं जीत पाऊंगी। मुझे पाउडर से ज्यादा अच्छा कुछ मिलाना होगा, जैसे कि मार्शमेलो के साथ केक और कुकीज। मुझे लगता है कि केनी इस कॉम्बिनेशन से चौंक जाएगा। बस सब इसमें डाल देती हूँ और ढक्कन लगाकर इसे मिक्स कर देती हूँ और इसे एक ग्लास में निकालती हूँ।
बहुत सुंदर दिख रहा है। ऊपर से आइसक्रीम और गमी आइस। ओह, रॉक्सी तुम्हारी आँख गिर गई। और मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छा कॉकटेल चॉकलेट के बिना नहीं बनाया जा सकता है। मेरा चाकू और ब्लो टॉर्च कहाँ है? मुझे तुरंत चॉकलेट को काटना और पिघलाना है। क्या सुगंध है। बहुत अच्छा। दादी ने एक शानदार हॉट चॉकलेट बनाई है। लेकिन इतना ही नहीं है, मेरी सीक्रेट प्लान को अमल में लाने का समय आ गया है। इसे अच्छे से ग्लास में लगाया और इसे जमाती हूँ। ओह, दादी कुछ भी करती रहती हैं। अब शेफ के लिए अपने हुनर दिखाने का समय आ गया है, जिसे मैंने फ्रांस में सीखा था। डिश को सर्व करने का तरीका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए सबसे पहले मैं ग्लास को कैंडी से सजाऊंगी और फिर मैं अपना जादुई स्ट्रॉबेरी कॉकटेल तैयार करना शुरू करूंगी, जिसका स्वाद आपका सिर घुमा देगा। ताजी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के कुछ स्कूप और दूध स्वाद को बढ़िया बना देंगे। और स्ट्रॉबेरी जैम और रेनबो डोनट एक खुशनुमा मूड बना देंगे। थोड़ी सी क्रीम भी जाएगी। वाओ, बहुत अच्छा। कुछ गमी कैंडी और ये लॉलीपॉप और मेरी मास्टरपीस पूरी हो जाएगी। ऊपर से ये स्प्रिंकल्स भी। आपको क्या लगता है दादी, यह कैसा है? बधाई हो शेफ, लेकिन दादी के पास केले और आइसक्रीम से बने मिल्कशेक की अपनी रेसिपी है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे मैं अपने इस चॉकलेट कप में रखूंगी। देखो यह कैसा लग रहा है। और मुझे पता है कि मेरे बच्चे को कुकीज बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे भी डालूंगी। पहले मैं चॉकलेट कप में अपना कॉकटेल डालती हूँ, ऊपर से कुकीज क्रम्स और ऊपर से इसे एक हब से सजाती हूँ। यह फ्लावर पॉट की तरह लग रहा है। क्या सब तैयार है? अगर सब तैयार है तो केनी को सर्व करें। वाह, आपने मेरे लिए बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुंदर शेक बहुत बढ़िया है और इसमें मेरे सभी फेवरेट कैंडीज हैं। और रॉक्सी के शेक पर मुझे कुछ संदेह हो रहा है, पर मुझे इसे ट्राई करना होगा। चलो ट्राई करता हूँ। वाह, ये बढ़िया है। और मैं डर रहा था, मुझे ये पसंद आया। क्या यह कच्ची मिट्टी है? इसकी गंध ओरियो की तरह है। ओह, कितना बढ़िया। क्या इस बर्तन को भी खा सकते हैं? वाह, मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं खाया। तो हमारा विनर है शेफ। परफेक्टो मामा मिया, मैं जीत गई। इस बार क्या आप मेरे लिए पास्ता बनाएंगे मीट बॉल के साथ? बिल्कुल बेटा, अगर हम इंस्टेंट नूडल्स बना सकते हैं तो पास्ता क्यों बनाना। और जब तक ये केतली में उबल रहा है तो मैं अपने फोन पर खेल सकती हूँ। कोई ऐसा बकवास कैसे खा सकता है? सबसे स्वादिष्ट पास्ता वह है जो हम खुद बनाते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं अभी तुम्हें रेसिपी बताती हूँ। थोड़ा आटा, दो अंडे और दूध। अब बस उन्हें विस्क से मिलाना है और आटा तैयार करना है। फिर मशीन हमारी मदद करेगी। यह हमेशा पास्ता को समान रूप से काटती है, इसलिए पूरी बॉल्स रोल कर सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा बना है। और फिर इसे उबाल लेंगे। पहले ये इस तरह से एक बॉल बना लेते हैं और अब उबालेंगे। जब तक वे उबल रहे हैं, तब तक मैं टमाटर से टमाटर सॉस बनाऊंगी। चेरी टमाटर बेसिल लिप्स के साथ। हाँ, ठीक है। ओह दादी, आपको बुलगनी सॉस और ग्रेट किए हुए चीज के साथ मेरा पास्ता देखना चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट है। देखिए
और अगर इसके साथ पतले कटे हुए बेकन और चीज रखते हैं, तो फिर इसकी बात ही कुछ और है। शानदार। रॉक्सी, क्या तुम कुछ जल्दी करोगी? ओह रे, मैं एक नए लेवल पर पहुंच गई हूँ। ओह, मैं फिर से बहक गई और बाकी सब कुछ भूल गई। ऐसा लगता है मेरे नूडल्स घंटों से केतली में पड़े हैं और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहे हैं। कोई बात नहीं, केचप सब ठीक कर देगा। उसे यहाँ डाल देती हूँ। हाँ, अब देखिए दादी, चिंता की कोई बात नहीं है। आपने क्या किया है? मेरे नूडल्स भी पहले से ही तैयार हैं और मैं उनसे कुछ भी बना सकती हूँ। ओह, क्या खुशबू है। और मैं इसे एक रोल बना देती हूँ। उस पर टमाटर सॉस डालती हूँ और धनिया के कुछ पत्ते से सजा देती हूँ। क्या करते हो शेफ? दादी, आप महान हैं। देखते हैं कि किसका पास्ता जीतता है, आपका या मेरा चीज के साथ। वाह, बॉन अपीटीट बेटा। ओहो, ये कितना अच्छा है। आज मैं असली लंच करने जा रहा हूँ। यह पास्ता पिज्जा जैसा दिख रहा है। हाँ, और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद आया। और ये चीज, ये तो और अच्छा है। बढ़िया। अब मैं दादी का बनाया हुआ पास्ता ट्राई करूंगा। ये वाकई मजेदार दिख रहा है और शेफ के नूडल से बुरा नहीं है। लेकिन मेरी बहन के नूडल्स में बहुत कमी रह गई है। ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और वे बहुत खराब दिख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं खाना चाहता, बहुत खराब। और शेफ इस चुनौती को जीत रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। नए वीडियो के साथ जल्दी फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।